कानपुर में विकास दुबे का पोस्टमार्टम होने के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर घेरो घाट पर उसकी पत्नी ऋचा दुबे, छोटा बेटा और बहनें दिनेश तिवारी मौजूद थे, लेकिन घाट पर ऋचा मीडिया कर्मियों के सवालों पर भड़क गईं। ऋचा ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाग जाओ, जिसने जैसा सलूक किया है उसको वैसा ही सबक सिखाऊंगी, अगर जरूरत पड़ी तो बंदूक भी उठाऊंगी। गौरतलब है कि कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी और दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का शुक्रवार सुबह कानपुर से 17 किलोमीटर पहले ही एनकाउंटर कर दिया गया था। विकास के सीने में 3 जबकि 1 गोली कमर में लगी थी। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद विकास का शव उसके बहनोई दिनेश तिवारी को सौंपा गया था। अंतिम संस्कार में कुख्यात बदमाश विकास के कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। इस दौरान कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही।